अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज के रिश्ते की तरफ हम चलते हैं, इससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, क्योंकि हम रिश्तों के अबाउट नई से नई मालूमात लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं आज लेकर आया हूँ, ये एक लेडी हेल्थ वर्कर हैं। लेडी हेल्थ वर्कर की जो है ये जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब है। तो इनका नाम है नायला बीबी। नायला बीबी जो हैं ये एक तलाक याफ्ता खातून हैं। तो तकरीबन 4 से 4.5 साल का अरसा हो गया है इनकी जो है अपने शोहर से अलहदगी को, और इस वक्त इनकी उम्र 41 बरस है, 41 ईयर्स। और इनका एक बेटा एक बेटी, दो बच्चे भी हैं, और दोनों बच्चे इनके साथ ही रहते हैं। तो फिलहाल जो है ये अपना एक जो है एक रेंट पर इन्होंने घर जो है लिया हुआ है, उस पर ही उसमें ये है अपने बच्चों के साथ रहती हैं। तो नायला जो है इनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है। इसके अलावा मुसलमान है, मसलक जो है वो सुन्नी है, और इस वक्त जो है ये फैसलाबाद सिटी में रहती हैं। इनकी जो कास्ट है ये जट बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। लेडी हेल्थ वर्कर की जॉब करती हैं, तकरीबन पिछले 12 साल से जो है ये जॉब कर रही हैं लेडी हेल्थ वर्कर की। मंथली जो है ठीक ठाक कमा लेती हैं, जो है अपना और अपने बच्चों का गुजारा जो है अच्छे से हो जाता है। तो अभी जो है नायला जो है ये चाहती हैं कि दोबारा से शादी कर लें, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी इनके छोटे हैं, तो किसी अच्छे जीवन साथी की इनको तलाश है जिनके साथ ये जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इनकी जो डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लड़का जो है उसकी उम्र 50 साल तक भी हो तो वो रब्ता कर सकता है। इसके अलावा मुसलमान हो, ज़ात बरादरी कोई भी हो, मसलक जो है वो सुन्नी होना चाहिए, तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो। तो वो जो है अपनी जो है इनके साथ अगर शादी करना चाहता हो, सीरियस हो शादी के मामले में, तो वो रब्ता कर सकता है। तो वो हमारे दोस्त भाई मर्द हजरात जो चाहते हैं इनसे मिलना, इस फैमिली से बात करना शादी के अबाउट, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना जो है व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।